अस्सलाम वालेकुम, फूड सेल विद रुमाना। मैं आज बना है बलोची चिकन हांडी, बहुत यूनिक है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल में है और ढाबा स्टाइल में। आप शाबारी वगैरह जो जाते हैं, बिल्कुल ए टू जेड ये वही चिकन हांडी है। आप फ्राई ज़रूर कीजिएगा। आधा कप तेल लिया इसमें मैंने, डेढ़ पाव मेरे पास चिकन है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जब अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं भर के एक चम्मच अदरक लहसुन और चुटकी भर नमक डाल के इसको मैं भूनूंगी। इतना भूनना है कि अदरक लहसुन से अरोमा और खुशबू आने लगे। जब अरोमा और खुशबू आ जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं छिलका उतार के आधा कप टमाटर का पेस्ट ये डालूंगी, या टमाटर पूरी है तो आप वो डाल दें, दोनों में से आपके पास जो अवेलेबल है। तो इसको भी मैं डाल के थोड़ी देर अच्छा सा मिक्स करके पकने रखूँगी। और इसी के अंदर मैं अभी आपको मसाले दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले पहले स्टेप पे डाल रहा है। तो आप ज़रूर इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना ए टू जेड जो है ना आपको पक्का पता चलेगा इसमें क्या क्या डालना है। देखिए पहले इसमें आ रहा है कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और ये हरी मिर्च है, तीन अदद मैंने बारीक काटा है, तीन अदद मैंने मोटी रखी है, और नमक है हफ्ज़ा ज़रूरत। मैंने फ्राई करते हुए भी एक चुटकी नमक डाला था, तो आप नमक का बैलेंस रखिएगा। तो ये मैं सब अभी इस स्टेप पे डाल के इसको अभी भून मतलब टमाटर के साथ इसके साथ डाल दूँगी, और डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन ढक के कम से कम मैं 10 मिनट के लिए चिकन को गलने रख दूँगी, ताकि चिकन अच्छी तरीके से अंदर तक गल जाए। क्योंकि ये हमेशा हांडी या कढ़ाई रेस्टोरेंट में हमेशा तेज़ आँच पे चीते हो पकाते हो, तो आप ढक के कभी 10 मिनट के लिए दम पे ज़रूर रखिएगा। अब ये देखिए काली मिर्च है, कढ़ाई मसाला है, ये कसूरी मेथी है, गरम मसाला है और भुना कुटा ज़ीरा है। तो ये मैं आपको डिसीजन बॉक्स में जाना इसके इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में कितनी डलनी है ये मैं आपको लिख दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी देखें ये तेल छूटने लगा, मसाला भुनाई पे आ रहा। अब मैंने इस पर 4 से 5 स्लाइस नींबू की स्लाइस काट के डाले, पर बीज निकाल के, और इसी के साथ मैं अब इसमें दही डाला है 3 चम्मच। तो मेरी चिकन की क्वांटिटी कम है तो मैंने कम डाला है। आप जितना दही होगा जितनी चिकन होगा उस हिसाब से आप दही डालिएगा। यानी अगर आपको 1 किलो चिकन है तो आप 1 पाव दही जाएगा, और अगर आधा किलो चिकन है तो आधा पाव दही जाएगा। तो ये आप क्वांटिटी जो है ना मैनेजमेंट रख लीजिएगा। तो इसको मैं अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। अब देखें हल्का हल्का से किनारे से तेल छूटने लगा है, तो अब मैं इसमें मसाले जो बाकी जो 2 स्टेप पे जो जा रही है नहीं आखिर में दम पे जाएगा, अब इसको अच्छी तरह डाल के मैं इस तरह इसको भी भुनाई करूँगी। जब अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा, और देखिए मेरे मसाले में हल्का हल्का सा ऑयल छूटने लगा है, तो आप लाजमी जो है ना मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा बना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखें अभी देखें अच्छा खासा मेरा तेल निकल चुका। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ मलाई। तो आप अगर 1 किलो चिकन है तो 1 पैकेट मलाई डालेंगे, और 1/2 kg है तो 1/2 पैकेट डालेंगे। तो मैं इस पर अपने हिसाब से 4 से 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, जितनी मेरी चिकन को ज़रूरत है। तो देखिए अच्छा सा मेरा ये मलाई भी मैंने मिक्स कर लिया। अब ये देखिए मेरे पास देसी घी है, अगर आपके पास देसी नहीं है तो आप मक्खन यानी मक्खन को गर्म कर लिए, देसी घी को जिस तरह मैंने गर्म करा। देखिए कितना गर्म है मेरा ये घी, और इसी के अंदर मैं अब चिकन डालती जा रही हूँ। तो ये अगर चिकन हांडी है तो आप कढ़ाई में डालेंगे, तो ये मेरे पास छोटी सी कढ़ाई है। तो ये देखें दोबारा इसको मैंने चूल्हे पर इसलिए रखा है, 2 से 3 मिनट ज़रूर पकाना है, ताकि अगर आप बटर डाल रहे हैं या ये मेरी तरह देसी घी, तो अच्छी तरह चिकन में जो है ना वो एक अरोमा एक अच्छा सा उसमें पका हुआ होना चाहिए। तो एंड में ये गार्निशिंग कर रही हूँ, आप फ्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत मज़े का भरा था। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।